मजलिस की धुरी बनकर उभरा ईरान अब लगातार अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है। एक समय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान ने अब अपने दम पर इतनी काबिलियत हासिल कर ली है कि वो अकेले दम पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने आंख से आंख मिला सकता है। इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान की इसराइल से सीधी तनातनी से हर कोई वाकिफ है, जहां दुनिया भर के देशों को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा था। वो पहला मौका था जब ईरान ने धमकियों के बाद इसराइल पर सीधा हमला किया था। माना गया कि ईरानी हमले वैसे तो इसराइल पर हुए, मगर जख्म अमेरिका तक पहुंचे थे। ईरान ने हमला कर अपने हथियारों की नुमाइश भी कर डाली थी। इसराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ईरानी कमांडर ने ईरान की रक्षा में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्स में स्मार्ट हथियारों और मानव रहित ड्रोन्स के इस्तेमाल की ओर इशारा किया है। ईरानी सेना के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा कि ईरान की सैन्य इकाई ने भविष्य में संभावित खतरों का सामना करने के लिए कई प्रकार के रॉकेट लॉन्चर और एंटी आर्मर हथियार बनाने की तकनीक हासिल कर ली है। सभी प्रकार के तोपखानों को डिजिटल बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भविष्य में मौजूदा खतरों को देखते हुए ग्राउंड फोर्स ने स्मार्ट नेटवर्क केंद्रित सटीक और लंबी दूरी के नए हथियार बनाने की योजना है। कमांडर ने ईरान के ग्राउंड फोर्स के हथियारों और उपकरणों को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की आवश्यकता का भी जिक्र करते हुए कहा कि संभावित अभियानों में एआई का उपयोग हथियारों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। ईरान के डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंजीनियरों ने हाल के सालों में अपने घर में बने उपकरणों की एक बड़ी सीरीज को बनाकर सफलता हासिल की है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद सशस्त्र बल आत्मनिर्भर हो गए हैं। ईरानी कमांडर के हालिया दावों ने इसराइल की मुश्किलें और बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है। जहां एक ओर इसराइली सेनाएं गाजा पर हमला कर फंसती जा रही हैं, हमास लड़ाके इसराइल पर हावी नजर आ रहे हैं, वहीं ईरान के नए और घातक हथियारों ने इसराइल को परेशानी में डाल दिया है। ईरानी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि देश अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में नहीं हिचकेगा, जो पूरी तरह से रक्षा के लिए हैं। ईरान की रक्षा क्षमताओं पर कभी भी बातचीत नहीं की जाएगी। इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने बार बार ईरान की रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने और बढ़ावा देने के प्रयासों का आह्वान किया है।